एक ब्रेकिंग सामने आया तो अड्डा सांझीकरण जारी है। सो पंचायती चोणां दे मद्देनजर जिहड़े कि दौरान गोली चली है, सो इस वेले दी ब्रेकिंग पंचायती चोणां दौरान चली है गोली। तरन तारण के पिंड सोहल विखे चली है गोली। सो पंचायती चोणां दौरान गोली चली है। दस दिए कि एक नौजवान गंभीर रूप के जख्मी होया। सो पंचायती चोणां दौरान चली है गोली। तरन तारण के पिंड सोहल विखे चली है गोली। एक नौजवान गंभीर रूप में जख्मी होया। अमृतसर के निजी हस्पताल वो नौजवान जेरे इलाज है। तो पिंड सोहल का माहौल इस वेले तनावपूर्ण बनया होया है। तो पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। तो पंचायती चोणों दौरान चली है गोली। तो पिंड सोहल जो कि तरन तारण का पिंड है सोहल, जिथे कि गोली चली है पंचायती चोणों दौरान, एक नौजवान गंभीर रूप के जख्मी होया। सो अमृतसर के निजी हस्पताल इस वे जेरे इलाज है। तो पिंड सोहल का माहौल इस वे तनावपूर्ण बनया होया। हालांकि सवेर तो ही जी कि वोटिंग प्रक्रिया 8 बजे तो शुरू हो चुकी थी, हजे तक जोड़ा कि शांतिपूर्ण तरीके दे नाल जोड़ा कि यह चोण प्रक्रिया चली आ रही थी, पर हूँ जी कि ब्रेकिंग सामने आई है पंचायती चोणों दौरान चली है गोली। सो इसे खबर से तरन तारण तो विजय कुमार साढ़े जुड़ चुके हैं। सो विजय, जोड़ा कि यह गोली चली है, की कुछ जानकारी मिल पाई है? एक नौजवान भी गंभीर रूप के जख्मी होया है। बिल्कुल दसना चाहांगी, जिहड़ी पंचायती चोणां दी शुरुआत जिहड़ी आ बड़ी ही शांतिपूर्वक जिहड़ा कि सवेरे 8 बजे ही शुरू हो गई सी। तां इसे तरह ही एक मामला जिहड़ा वा हुण सोहल तो सामने आया है कि एक नौजवान जिहड़ा कि वोटां पाउण तो एक दूसरे नूं जिवें कि दस्सिया जा रहा कि वोट तुसीं पाउणी जां तुसीं, इस तों लैके ही जिहड़ा एक दूजे नाल विवाद हो गया, तां उह उस वक्त ही जिहड़ी आ कि गोली चला दित्ती गई। जब गोली चलाई गई तो नौजवान की सीधी छाती में जाके लगी, तो उस वक्त ही जिहड़ा माहौल है तनावपूर्ण हो गया और पिंड वासी सारे ही इकट्ठे हो गए। जबकि इतने दसना चाहांगे कि यह जिहड़ी इलैक्शन ने पंचायती चोणां ने इस दे विच चोण जाबता की उलंघना किसी तरीके ना होवे, हथियारां नूं जमा करन वास्ते भी पुलिस वल्लों दस्या भी गया सी, लॉसमेंट भी कराई गई, पर उसके बावजूद भी जिहड़े कि गोलियां चल रही ने। सो अज यह नवा मामला जिहड़ा हुण देखण नूं मिलिया है, ए जो तो गोली चली तो मौके से ही तरन तारण के DSP SP मौके से ही पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए ने, ताकि यह माहौल जरा इस तो अगे ना बच सके, पर पिंड माहौल हजे भी तनावपूर्ण जरा चल रहा है। जी बिल्कुल, जिहड़ा कि एक नौजवान इस विच गंभीर रूप नाल जख्मी दस्सिया जा रहा है। सो किस दे वल्लों यह गोली चलाई गई है? हालांकि पुलिस प्रशासन दे वल्लों भी दावे किए जा रहे सन कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ने, हथियार जिहड़े कि ने चोण जाब्ते करके जिहड़े कि अंदर रखवाए हुए सन, जमा करवाए हुए सन, पर फिर भी हथियार लैके जिहड़ा कि कोई पहुंचा उत्थे तो उस दे वल्लों गोली चलाई गई। सो की कुछ जानकारी मिल पाई है? कौन सी किस दे वल्लों गोली चलाई गई है और जिस नौजवान दे गोली लगी है कौन है वो नौजवान, इस दे बारे कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल जी, वह पिंड का ही नौजवान है जिहड़े कि वोटां जदों भुगताईआं जांदीआं ने एक दूसरे नूं लैके आउंदे ने कि तुसीं इहनूं वोट पाओ ते मेरे नाल चलो, इसे तरह जबकि वह लैके एक दूसरे नूं आ रहे सी तां जदों कि दूसरे नूं गवारा नहीं खादा, तां इह पिंड दे विच इहो माहौल चल रहा है हुण वी। जिस तरह कि असीं पिंड सवेरे क्लेयर विच ही जबकि वोटां पाउण नूं एक दूसरे तों कि बजुर्ग दी वोट एक उहनां दा परिवार वाला पाउण लगा तां रोक दित्ता गया, तां उत्थे इट्टां रोड़ां दी बरसात उसे वेले ही शुरू हो गई कि ਇਹ ਵੋਟ ਬੀਬੀ ਹੀ ਪਾਉਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚੱਲੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।